फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के टीयर वन ऑफिशियल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था 25 जुलाई 2023 का शिफ्ट वन को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि 25 जुलाई 2023 शिफ्ट वन और प्रीवियस ईयर को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट किया है उसमें मैं भी शामिल होने वाला। तो यहाँ पे जो स्टार्ट नाउ का जो ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद फिर यहाँ पर हमें लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, उस लैंग्वेज को भी हम सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग बनाएंगे। तो रीजनिंग में पहला फिगर पूछा है, तो एफ यहाँ था, एफ उठ के यहाँ आ गया, ये स्टार उठ के यहाँ, एफ यहाँ बगल में आ गया, स्टार उठ के बगल में आएगा। तो यहाँ सभी में उसका ऑप्शन दिख रहा है। ओ की बात करते, ओ यहाँ आया, ओ उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये उठ के यहाँ आया, अब ये इधर आना चाहिए। तो दो ऑप्शन यानी कि तीन ऑप्शन में चल रहा है, तो पहला से थर्ड ऑप्शन हट गया। एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स उठ के यहाँ आ गया, फिर एक्स उठ के फिर बीच में आ गया, यानी कि ये जो एफ होगा बीच में आना चाहिए, तो बीच में एफ आएगा, तो बीच में एफ एक ही जगह आ रहा है, आंसर हो गया। आगे चलते हैं, किस इक्वेशन को चेंज करने पर कुछ वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे हम पहले थर्ड ऑप्शन को ही देख लें, या थर्ड ऑप्शन नहीं, जैसा देखते हैं 784 है उसको चेंज देते हैं, यानी कि 784 भागे 14 कर देते हैं और इंटू 9 है तो 9 लिख देते हैं, माइनस की जगह प्लस 30 और प्लस की जगह माइनस 14 को लिख देते हैं 6, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 को दो बार में, 7 कम 7 और 12 से 84, तो 12 7 दो नीचे होगा, 2 काटेंगे तो 5 दुनी 10, 6 दुनी 12, तो ये हो जाएगा 9 से 54, बाकी के 5, 9 5 45, 3 9 6 54, 9 5 45 50, 534, 534 में 6 चला गया तो 528 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन को चेंज करने से बन रहा है। अगला फिर यहाँ क्वेश्चन है, ये तीर को दिया, तीर इधर आया, तीर इधर आया, तीर इधर आया, तीर इधर, तो तीर नीचे की ओर बनेगा, तो ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन में तीर नीचे है, ठीक है। यहाँ पर 90 90 90 90, ठीक है। आगे यहाँ पर ग्रेजुएट, एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड, इसका मतलब ये होगा तीनों हो सकता है क्या, जो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी ग्रेजुएट हैं इसको कंफर्म है, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो सभी लोग एजुकेटेड लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं क्या, सभी ग्रेजुएट एजुकेट नहीं, सभी ग्रेजुएट एजुकेट हो सकते हैं, लेकिन सभी एजुकेट ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो फिगर जो यहाँ पर जो है एफ यही सही बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी की पूछ रहा है, तो पहले कौन आएगा, तो हम पहले 5 और 3 में फिर 1 और 6 और 4 में कन्फर्म करेंगे। एम ओ एन एस, एस भी आ गया, तो टी के बाद ओ आता है क्या, पहले ओ आता है, टी के बाद एम एन ओ, पी के बाद सी, ओ पहले आएगा फिर टी आएगा, यानी कि 4 है वो 6 के बाद आएगा 4, तो 6 के बाद 4 यही पे आ रहा है, आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर है क्या है, डिसमे, डिसमे को डी ई एस एम ए वाई, सफारी है तो एस एस ए एफ ए आर आई, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी में करते हैं क्वेश्चन को। परिवार की तस्वीर को देखते हुए राजन ने कहा, परिवार की तस्वीर देखा राजन ने कहा, वह मेरी पत्नी के पुत्र यानी मेरे बेटे के पिता यानी मेरी मैं मेरी माता यानी मेरी माता के पति यानी मेरे पापा की पुत्री यानी बहन से संबंध है, तो राजन का लड़की से क्या संबंध, बहन का। इसके बाद एक फिगर है, तो यहाँ पर दर्पण पूछ रहा है, ठीक है, जेड ये जेड बी और ये बी से गलत हो गया। इसके बाद सभी कलम पत्र समाचार पत्र है, सभी कलम पूछा, सभी कलम क्या है, समाचार पत्र है, ठीक, और कुछ समाचार पत्र उपन्यास है, कुछ समाचार पत्र उपन्यास है, कोई भी उपन्यास पुस्तक नहीं है, यानी कि कोई भी उपन्यास ये कलम है ना, कोई भी उपन्यास पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो क्या है, कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है कह सकते हैं नहीं, कुछ उपन्यास कलम है, कुछ उपन्यास कलम है नहीं कह सकते हैं, कोई पुस्तक कलम नहीं, कोई भी पुस्तक कलम नहीं है ये बात कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं, तो ना तो एक करेगा ना तो दो। यदि कुछ पुस्तक कलम है और कोई पुस्तक कलम नहीं है, हाँ कुछ पुस्तक कलम हो सकते हैं या कोई पुस्तक नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन जा सकता है, ठीक है। 9 20 31 आता है तो बताओ क्या होगा, तो अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने से आया नहीं, अगर हम 31 और 9 40 कर देंगे तो हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा 20 का, 8 आ रहा है, 6 3 9 98 कम हो रहा है, दुगना कर रहा है, नहीं होगा दुगना, 5 1 6 दुगना नहीं होगा, 5 5 10 नहीं हो रहा है दुगना, 4 4 8 3 1 4 24 48 हो रहा है, फिर 7 150 23 है, तो बताओ क्या होगा,
अगर हम 27 है, 4 को हम कितना 1872 नहीं, 4 को हम 64 बार करते हैं और उसमें बाद 11 जोड़ते हैं 75 आ सकता है। 27 को 4 को 27 इंटू 4 करते हैं तो 4 से 12, 4 दुनिया 8 9 नहीं, या 4 का क्यूब क्या किए, 4 को हमने कितना बार लिया था तो 4 को हमने 16 बार लिया ना, तो 27 को अगर हम 16 बार लेंगे तो होगा क्या, नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, क्या ले सकते हैं तो 11, तो 27 और 7 30 हो गया, 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 हो गया, 11 4 15 इंटू 5 करेंगे 75 हो जाएगा, ठीक है, 16 8 24 और 24 को हम 5 से करेंगे तो आएगा नहीं, 11 8 19 हो गया, 19 को 5 करेंगे नहीं, 11 8 11 9 20, 20 को 5 करेंगे नहीं, तो 13 15 18 28 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 840, ठीक है, लास्ट ऑप्शन बन गया। आगे चलते हैं, एक निश्चित कुल भाषा में राइट को 39 लिखा गया है, तो आर का वैल्यू कितना होता है 18, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 20, टी का वैल्यू 20, तो 8 1 9 2 1 3 यानी कि सही चल रहा है। जेब्रा को लिखेंगे 26, ई का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 1, ठीक है, तो 6 2 8 8 16 16 5 21 और 21 से 22, बस एक ही वैल्यू आ रहा है जो कि बन जाएगा 52। इसके बाद विषम को पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो ABCD लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। अब जरा इसको हम फिक्स कर लेते हैं, तो अब यहाँ क्या है, कह रहा है ओ एन एल यानी ओ एन और एल यानी कि एन और एल में एक का डिफरेंस है, क्यू और ओ में डिफरेंस एक का है, जी और ई में भी डिफरेंस है और बी और सी में भी डिफरेंस का, तो गड़बड़ यहाँ पे देखने को मिला, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बी के बाद डी लिखा, यानी कि बी के बाद डी लिख रहा है, तो बी के बाद एफ आना चाहिए, ठीक है, और एफ आना चाहिए, जेड के बाद एक्स लिख रहा है तो एक्स के बाद यहाँ पे वी आना चाहिए, ठीक है, उसके वी के बाद डब्ल्यू लिख रहा है, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आना चाहिए, तो एफ भी एक्स आएगा, इसका आंसर सही में, ठीक है। अगला है जेड वाई आर डैश जेड, इतना है, तो बताओ क्या बनेगा, तो जेड वाई आर डैश जेड डैश डबल आर जेड वाई डैश आर डैश वाई आर डैश, तो यहाँ पर देखेंगे आर आर के बाद जेड आ रहा है, तो यानी कि आर आर यहाँ पे जेड वाई हो सकता है, तो आर आर यहाँ पे आर आर जेड वाई आर आ रहा है, और आर के बाद फिर जेड वाई आर है, तो यहाँ पे आर जेड आ रहा है, तो यानी कि हो गया जेड वाई आर आर जेड जेड, यहाँ पे वाई आर आर, ठीक है, चार का बन गया जेड वाई आर आर जेड वाई आर आर जेड वाई आर आर, तो जेड वाई आर आर, तो यहाँ पे जेड वाई आर आर, तो आंसर होगा आर वाई आर जेड आर, आर वाई आर जेड आर, आर वाई आर जेड आर, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ है कि कौन सा पूछ रहा अंतर्निहित है, कौन सा फिगर अंतर्निहित है पूछ रहा है, तो ये फिगर देखो जरा यहाँ पर स्क्वायर अगर बन रहा है तो ये फिगर दिख रहा है हमको डायरेक्टली, ये कहीं नहीं दिख रहा है, सर्किल कहीं बन नहीं रहा, ये फिगर कहीं आ भी नहीं रहा, फिर 8 का क्यूब होता है नहीं, 8 का क्यूब क्यों करेंगे, 8 का स्क्वायर करके दुगुना कर दिया होगा, 64 दुनिया 128, 12 का 144 इंटू दुगुना, 15 का 225 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 15 35, तो क्या होगा 12 18 33 8 17, तो हम बोलेंगे 6 5 11 यानी कि 31 में प्लस 4 किया, 12 8 20 30 में प्लस 3 किया, 18 7 15 25 हो गया, 25 में 2 27 आ सकता है क्या, हो सकता है 27 आ जाए, या 15 2 30 नहीं, 16 2 32 नहीं होगा, तो ऑप्शन तो यही लगा कि 16 15 जोड़ के इतना ला दिया, या 15 और जोड़ के भी 60 हो गया, 50 हो गया, 16 3 48 2 16 3 12 3 36 8 3 11, देखते हैं 8 3 11 51 हो गया, 12 4 48 प्लस 3 हो रहा है, जिसे 15 35 किया था 50 हुआ, 16 3 48 प्लस 2 हुआ, तो हमको लग रहा 27 हो जाना चाहिए, पर देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अगला फिगर यहाँ है कि कौन सा इसका प्रतिबिंब बनेगा जब दर्पण आकृति से रखा गया है, तो ट्रायंगल ऐसे है तो ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन चल रहा है, ऐसा क्या ये ऑप्शन लगेगा और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, 7 का 10 97 9 का इतना है, 24 का ये है, ये किसी का क्यूब को लग रहा है देखने में, 24 किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, तो अगर 9 से हम काटेंगे कटेगा क्या 9 से,
कर्णों से कट रहा है, 24 से कटने वाला शब्द है, लेकिन 9 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 को अगर हम 9 से फिर करते हैं तो 7 से करेंगे ना, 7 का क्यूब हो गया, ठीक है, और 7 का क्यूब 721, 728 30, 721 24 नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो 7 है, 7 को 10 29 से कटेंगे कटेगा क्या, 7 एकम 7 3 2 728 4 9 749 147 आ रहा है, 9 को काटेंगे 2 21 87 से, तो 9 3 18 आ रहा है, 2 8 आ रहा है, 3 8 आ रहा है, 9 6 36 आ रहा है, और 2 7 9 27 243 आ रहा है। कटने वाला तो वैल्यू पूरा कट रहा है, लेकिन 24 के बाद यहाँ क्या आएगा वो देखना है। अगर हम 7 का क्यूब देखेंगे 7 का क्यूब 343 आता है, 343 को 300 बना करेंगे, 3 3 9 4 3 12 3 3 9 10 29 अच्छा ये हो गया, 9 का क्यूब बात करेंगे तो हो जाएगा 729 और इनटू 3 करेंगे और 729 9 3 27 एकदम हो रहा है, यानी कि फिर किसी का क्यूब 2 3 4 8 हाँ 2 का क्यूब यहाँ पे आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 4 फुट को प्रत्येक क्या लिखा है, क्वेश्चन देखें इंग्लिश में, ईच भोवे इन द वर्ड 4 फुट, फोर फुट इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज एंड ईच कंसोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, ईच भोवे द वर्ड इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर, आने वाले से चेंज कर दिया गया, और कंसोनेंट को जब प्रीवियस लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में द न्यूली फॉर्म में, सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द अल्फाबेटिकल व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट। देखो तो एफ के पहले क्या आएगा, बोला कि एफ के पहले ई आएगा, ओ के बाद कौन आता है पी आता है, आर के पहले क्यू आता है, ई के बाद ए के पहले डी आता है, सॉरी ए के पहले ए के बाद एफ आएगा, एफ के पहले ई आएगा, ओ के बाद ओ के बाद पी आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी के पहले एस आएगा, ये बन गया। तो क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे आप समझ दे रहे हैं हम पर, तो नवगठित शब्द में बाएं से दूसरे नवगठित ये बन गया बाएं से दूसरा कौन, बाएं से दूसरे और दाएं से पहले, और दाएं से पहले का पहले अक्षर के बीच वर्णमाला में श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, यानी कि पी क्यू आर एस में पी क्यू क्यू पी क्यू आर एस में पी क्यू नहीं आता तो एक आएगा, इसका आंसर एक आएगा क्योंकि पी क्यू 3 5 पे है, तो पी क्यू आर एस तो होना चाहिए पी और एस के बीच में, एक ही वर्ड ऐसा हो सकता है, देखेंगे आगे चल के, क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा, ठीक है इस क्वेश्चन को डाउट में डालते हैं थोड़ा सा, 27 37 38 68 87 110 है, तो कितना का बढ़ा हुआ 11 बढ़ा, 87 और 68 में कितना बढ़ा, तो 87 68 में देखेंगे तो 17 हो गया, 9 17 19 बढ़ा, तो यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं 27 38 68 87 110 इसमें कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो 90 27 बढ़ गया, यहाँ 19 बढ़ गया, यहाँ पर 11 बढ़ गया, तो यहाँ पे 15 बढ़ेगा कंफर्म है, तभी तो 15 4 19 हुआ है, तो 8 5 13 लास्ट में 3 होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केक को अगर ऐसा लिखा गया है, केक को 6 8 7 इजी क्वेश्चन है, तो मेक को क्या लिख सकते हैं, तो सी को 3 लिखें, ए को हम 8 लिखें, 7 4 हैं, तो ई के लिए वैल्यू क्या लिख रहे होंगे, तो एम ई के वैल्यू क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 4, यहाँ पे ई का वैल्यू 4 आ रहा है, यानी ई का वैल्यू लास्ट में 4 आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, ए का वैल्यू 8 है, यानी कि सेकंड पे 8 होगा, यानी 8 - 4 हो गया, 8 और 4 कहाँ पर है, 8 और 4 2 में है, एम का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं रहा है, के का वैल्यू यहाँ पर तुमको दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 7 आएगा, 8 7 4 का ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 8 7 4 है और 500 कॉमन है। इसके बाद ये फिगर में पूछ रहा है कि कौन सा मिरर इमेज बनेगा, हम ऑप्शन नहीं देखते हैं खाली, बस देख लो ऑप्शन W तो खत्म हो गया, ये W हो सकता है, जे हो सकता है, 3 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन से इक्वेशन को चेंज करने पर कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो डिवीजन को क्यों चेंज करेंगे, माइनस को डिवाइड कर सकते हैं क्या, थर्ड ऑप्शन देखते हैं 3 × 12/6 और -2 + 12, ठीक है 3 को 2 बार में 2 को 6 बार में, तो यहाँ पे 4 आ गया, 12 + 16 यानी थर्ड ऑप्शन से बन गया। अब बोले थर्ड ऑप्शन मैं यूज करता हूँ सब क्वेश्चन में, ठीक है, फिर बोल रहा है एज पर सेंसर डाटा, ठीक है 382 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, हो अमंग द फॉलोइंग महाराणा ऑफ मेवाड़ संगीत राज में लिखा है, संगीत राज नहीं पता छोड़ो, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स वन बाय टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कितने टोक्यो पैरालंपिक सिल्वर मेडल जीते हैं, बट टोक्यो पैरालंपिक में कितना जीता हमको क्या पता था, 5 जैसे जीता था शायद,
नहीं मार सकते हैं। फिर बोलता है अल्कली मेटल्स अल्कलाइन हेलोजन्स, क्या बोला कोलम बताना है। ठीक है, नोबल गैस 18 यानी 4 का ए तो दो ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद 2 का देखना है तो 2 क्या है अल्कलाइन, अल्कलाइन क्या अल्कली मेटल तुम्हारा एक आएगा तो 1 का 1 होगा, 1 का ए और 1 का ए, 4 का 4 का ए, 1 का डी है, हाँ 1 का डी और 4 का ए चला गया। ठीक है, नोबल गैस हो गया, यही तो निकल गया था। पेक्टिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ फ्रूट्स इज मेनली कम्पोज ऑफ विच एसिड यूनिट, क्या है पेक्टिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फल को भी कर देता है। ठीक है, कौन सा एसिड उसमें होते हैं, लैक्टिक, ग्लूमेटिन, ग्लूटामिक, ग्लूटोनिक, एस्पार्टिक, नहीं पता छोड़ दो। क्या है सेप्रोफाइट स्टेज इंडोमिनेंट इन विच प्लांट, सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइट, स्पोर अच्छा स्पोरोफाइट स्टेज इंडोमिनेंट इन विच ऑफ द प्लांट, तो स्पोरोफाइट की बात करते हैं, स्पोरोफाइट यानी कि छेद होने की बात कर रहे हैं। वास्कुलर प्लांट एल्गी एंड टेरिटोफाइटा, टेरिटोफाइट्स की बात करें तो एल्गी क्या होता है स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच ऑफ प्लांट्स, तो एल्गी लग रहा है लगते हैं इसको। द कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंट्री इम्प्रूव करता है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को बाय डिवल्यूशन वेयर द सम ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज बाय डिवल्यूशन, डिवल्यूशन क्यों करता है क्योंकि जब सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय डिवल्यूशन, यानी पैसे की वैल्यू को घटा देता है। ठीक है, कब, जब सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज, सम ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन यूनिटी, नहीं पता। डैश बिकम इंडिया फॉर स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, जो 7600 में था सीएसके था एकमात्र कंपनी था। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द इश्यूज एंड कंसर्न द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2010, क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द इश्यू एंड कंसर्न इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो क्या था अब माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा है 2010 में। खान कमिटी था क्या, एक था अब्दुल आदिल का कुछ था, मालेगम कमिटी शिवा रमन छोड़ देते हैं इसको भी है। इंडिया बोरो द डीपीएसपी फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड से लिया। तमिलनाडु ये फेस्टिवल सेलिब्रेट बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन विच ऑफ द स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश मार देंगे। ठीक है, आयरन माइंस इन झारखंड अट्रीब्यूटेड टू द राइज विच ऑफ अपने किंगडम इन एंशिएंट इंडिया, झारखंड की बात होगा तो मगध ही आएगा, कुरु काशी कुशान वगैरह नहीं। Which of the following statement is correct about granite worm, कौन सा गलत है, granite is most abundant rock in the continental crust, it is the most common sedimentary rock है, ये गलत है। लूडी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं पता। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का ना। वेद टू वेदास विच स्लोगन किसने था, रिफॉर्म विमोचन, वेदों की लौटो दयानंद सरस्वती आर्य समाज। फिर बोलता है कौन सा जुडिशियल रिव्यू के बारे में गलती है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव टू पावर ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एज वेल एज गवर्नमेंटल एक्शन विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अंडर आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंपल्सन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर डिस्क्राइब्ड इन फंडामेंटल राइट्स, नहीं नहीं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सिग्निफिकेंटली, तो बी काटो ए और सी जाकर सही हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 अप्रूव न्यू स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो भाई अभी क्या कवर होगा वहाँ 2019 की हिसाब से पूछा था तो 21.67% तो था ही, लेकिन हम 23 से पढ़े ना, फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर है तो टोटल फॉरेस्ट कवर तो इतना ही मारते हैं अभी तो 23 कितना है टोटल 24.21 मारते हैं। रासलीला इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म विच ऑल इन द फॉलोइंग स्टेट्स, नहीं पता छोड़ दो। द वायसराय हु टेक कीन इंटरेस्ट इन द रीस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, किसने किया था रीस्टोरेशन की बात कहा प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, तो लॉर्ड लिटन ऑकलैंड इलनबर्ग, नहीं पता छोड़ देते हैं। ऐसे अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ASI कब बना था, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया कब बना है, उसके समय लॉर्ड कर्जन मार देते हैं। ठीक है 1905 इसके समय मार देते हैं। अमर नायक कौन होता था, मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है
व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न, क्या कलर होगा फ्लेम का जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा? नीला जलता है, ब्लू कलर का होता है जब वो हाइड्रोकार्बन जलता है, येलो कर सकते हैं, लेकिन येलो कब दिखाता है जब फुल्ली जलता है, येलो येलो मारते हैं। जल क्रांति अभियान वॉज लॉन्च बाय 2015-16 किसके द्वारा? जल क्रांति अभियान, यही पता छोड़ देते हैं। फिर बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जज इन द न्यूज रिस्क्यूइंग हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग अ प्ली अगेंस्ट एडी चीफ टेन्योर एक्सटेंशन, नहीं पता है। अब आते हैं जरा इंग्लिश पे, ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले क्या कहलाता है? एपिलोग। एपिलोग का मतलब स्पीच जो एंड ऑफ प्ले में गाता है, एपिलोग या प्रोलोग या मोनोलोग। इनकम्पिटेंट का अपोजिट कौन होगा? तो कम्पिटेंट होना, डिस्पेरेट होना, इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब जो कि नहीं है, डिस्पेरेट मतलब जान उसके कुछ कर देना, डिस्पेरेटली जो कुछ काम करता। समवन हू लिव्स इन सॉलिट्यूड क्या कहलाता है? रिकलस। लॉर्ड गणेशा डिस्ट्रॉयड ऑब्स्टिकल्स इज वर्शिप फॉर हिज विजडम एंड ब्रिलियंस। पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली, ठीक है, दिस न्यू ईयर दैट इज दिवाली टू मार्क मर्च एस्टैब्लिशिंग न्यू अकाउंट बुक्स। गॉड लक्ष्मी ऑल्सो वर्शिप ऑन दिवाली फॉर ग्रेट एंड सक्सेस। तो गॉड लक्ष्मी, तो लॉर्ड गणेशा जो है वर्शिप फॉर हिज विजडम एंड ब्रिलियंस दिस न्यू ईयर, दिस न्यू ईयर। तो क्या होगा, लॉर्ड ऑल्सो हो गया तो कन्फर्म है, डी तो नहीं होगा, ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आएगा, तो एक ही ऑप्शन में ए के बाद डी है। लॉर्ड गणेशा विजडम क्यों था, इसको वर्शिप किया जाता है वेल्थ सक्सेस के लिए, पीपल जो है दोनों को की है और इस न्यू ईयर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर पूछा इन परफेक्ट ऑर्डर में क्या पूछा है, कि करेक्ट एडीएम पूछना है। एज सून एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट दिस इंस्पेक्शन इन द स्कूल, एज सून एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग परफेक्ट ऑर्डर। ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर, हर एक चीज अच्छे से रखता है। तो अच्छे से रखने का मतलब है एप्पल ऑफ हाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल बहुत प्यारा होना। ही पुट एवरीथिंग परफेक्ट ऑर्डर, सब कुछ अच्छा रखना। एप्पल ऑफ वन में बहुत प्यारा होना, क्या पता नहीं चल रहा है इसका हमको। सी शेली हैज बीन कंटेम्प्लेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब, तो बोल रहा है क्या, करेक्ट एडियम बताना है। शेली हैज बीन contemplating for a few days but still has not decided to quit a job, contemplate hona na, beating the dust, doing the cut, cooling one skills, getting into hot waters, been trouble for a few days, biting the dust for a few days, bahut hi biting the dust matlab bahut hi problem hai na, but still biting the dust ya a or d mein confusion hai. Raghav had a good dash for the stage play, Raghav had a good troop for the stage play, Raghav ke paas acche troop hai, ठीक है। वी हार्डली न्यू अबाउट, वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर, तो नथिंग तो होना नहीं चाहिए साथ में, शायद हार्डली के साथ में। हियर कम द बस फॉर लखनऊ, हियर कम द बस फॉर लखनऊ, हियर द बस कम फॉर लखनऊ होना चाहिए था, लेकिन बोला कौन सा गलत है, here came the bus पता नहीं क्या है। incorrectly tour TRIUMPH sandwich WI sandwich WICH होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस बताना है, विल हैव बीन कंट्रोल, बीन आ गया, कंट्रोल है, कंट्रोल से पहले फर्स्ट फॉर्म कौन सा, विल हैव तीनों में है। ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल हैव बी कंट्रोल बाय इंडियन गवर्नमेंट बाय 2040 इंडियन पॉपुलेशन विल हैव कंटिन्यू टू ग्रो अनकंट्रोलेबली, नहीं विल हैव कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय 2040 इंडियन गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वन हु लव्स मैनकाइंड फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। इनकरेक्टली एलिमोनी स्ट्रक्चरल ब्लू एलोसिनेट एलोविन एलिमोनी ALIMONI होता है ना, एलोविन भी सही है। जुडिशियस का सिनोनिम क्या होगा, तो जुडिशियस का मतलब बहुत ही सेंसिबल, इम्प्रूडेंट, केयरलेस, और सेटेड, तो सेंसिबल होना। विच डैश डू यू टेक टू रीच ऑफिस, विच रूट डू यू यूजुअली टेक। एक्सट्रोल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोल सिनोनिम रिवार्ड करना, पनिश करना, डिसमे प्रेज, तो डिसमे या पनिश,
एक्सटोल का मतलब एक्स्ट्रा टोल कर देना, यानी किसी को रिवार्ड देना। एक्सटोल क्या था? एक्सटोल एक्स्ट्रा टोल। एक्सटोल का मतलब होता है रिवार्ड, पनिश, डिसमे और प्रेस, यानी कि प्रेस करना, रिवार्ड देना, डिसमे होना या पनिश करना। चलो नेगेटिव वर्ड है इसलिए मारते हैं। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक। ऑथर एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक। वन वर्ड से दो चीजें बताना चाहें तो प्रीफेस कहलाता है। कैसे कहेंगे पैसिव वॉइस में? द डॉक्टर ट्रीटेड द, ट्रीटेड आ गया, पास में चला जाना है। तो ट्रीटेड की जगह पे तो वर्ड ट्रीटेड, तो यहाँ पे ट्रीटेड विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वर ट्रीटेड वेरी केयरफुली बाय द डॉक्टर। द डॉक्टर ट्रीटेड द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वेरी केयरफुली। ठीक है, द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वर ट्रीटेड बाय द विक्टिम्स वर ट्रीटेड नहीं होगा, वेरी केयरफुल नहीं होगा। अभी के द डॉक्टर ट्रीटेड, द डॉक्टर वाज केयरफुल व्हाइल प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द विक्टिम्स। द डॉक्टर वाज वेरी, द डॉक्टर ठीक है। ही सैट इन हिज सीट हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग बेसाइड द हेड गजिंग एक्सटर्नली एट द पेशेंट बेड। ही सैट इन हिज सीट बिसाइड, ही सैट इन हिज सीट बिसाइड द बेड, बेड के बीच है ठीक है, बिसाइड द, ही सैट इन हिज, इन ही सैट इन हिज सीट एट द पेशेंट। ही हैड, ही सैट इन हिज सीट हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग एट द पेशेंट बेड। हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग व्हाट दे वर सेइंग टू हिम। हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग व्हाट दे वर, ए लास्ट में आना चाहिए, ए का लास्ट यही ऑप्शन आ रहा है, बी से स्टार्ट होगा। बिसाइड द बेड गेजिंग एक्सटर्नली एट द पेशेंट बेड हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग व्हाट दैट। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स वर वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन की जगह ये हो जाएगा। चेंजेस टू अर्थ क्लाइमेट driven by increased gas of heat trapping greenhouse gases. He changes earth climate is driven by increased emission of heat trapping greenhouse gases, shrinking of glaciers and ice sheets, occurrence of shift in flower plant blooming times. Shrinking हो रहा है glaciers का, ice sheets का, कब? जब shifting हो रहा है flower blooming time. Are creating an overall dash in the natural ecosystem. Are creating an overall imbalance in the natural ecosystem. Condition like the rise in sea level, salt water intrusion have advanced to the point where whole dash have to relocate, where whole people have to relocate while protected, protracted droughts and putting people at risk of Vietnam. So, what's the condition like the rise in sea level, salt water intrusion have advanced to the point where whole communities and whole people, whole conditions have been, whole communities, whole peoples have to relocate while protected now. While protracted droughts are putting people at a risk of had to relocate. While protected protracted droughts are drought आएगा सूखा, तो यानी फैमिली से बताएंगे at the risk of while protracted droughts are putting people at risk of famine. The effects of human caused global warming are deaths for people alive. The effects of human caused global warming are contradictory for people alive today and will worsen as long as human keeps feeding greenhouse gas into the atmosphere. The effects of human caused global warming are, the effects of human caused global warming are conditional for nahi hota, heartbreaking, contradictory ka matlab opposite, irreversible for people alive today. Chalo uska the B or C mein confusion thoda sa chal raha hai, nahi mar pa rahe. Ab chalte hain yahan par hai MIS pe. Ek simple interest on some of the सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी का, सॉरी 12% एनुअल 6 साल 13500 लेस देन प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बताना है 6 वर्ष की बात कहा, सॉरी 12% का मतलब 1/8 है। साधारण ब्याज मूलधन से, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से 13500 रुपए कम है, तो साधारण ब्याज कितना कम है, तो पी माइनस 13500 ये नहीं कह रहा है। ठीक है, तो बताओ दो को काटेंगे तीन बार में, दो थी छह, दो सौ आठ, ठीक, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा, 4p माइनस 13/5 भी देखेंगे तो 0 0, 520, 4 3 12 तो क्या होगा, 4 1 4 5, यानी कि p बराबर 54,000 है, कहीं ऑप्शन में आंसर आ गया। बोलता है कोसेक अल्फा प्लस बीटा अगर ऐसा दिया हुआ है तो कोसेक 75 का मान ज्ञात करो। तो कोसेक अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमको भी नहीं पता फॉर्मूला। अच्छा, उपयोग करके कोसेक 75 का मान बताओ, कोसेक 75 का मान बताना, तो कोसेक हम क्या कर सकते हैं, कोसेक अल्फा है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं कि 60 प्लस 15
नहीं, 90-15 नहीं ले सकते हैं, 60 या 45+30। हाँ 45+30 तो लिख सकते हैं, तो 45+30 भी लिख सकते हैं। पुट करो जरा, सेक अल्फा क्या हो जाएगा? तो कोसेक एक हमारा अल्फा का मतलब भी है 45 डिग्री, बीटा का मतलब है 30 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा, तो सेक अल्फा का मतलब क्या होगा? सेक अल्फा बोले तो सेक 45 और √2 और इंटू सेक बीटा का मतलब, हाँ सेक बीटा एक सेक बीटा सेक 30 कितना होगा? तो सेक कोस 30 जाएंगे, कोस 30 होता है कितना, 1/2, यानी कि 2। फिर है इंटू कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा? कोसेक 45 क्या होगा? 1/√2, तो √2 और इंटू कोसेक बीटा का मतलब भी क्या होगा? कोसेक बीटा 30 है तो 1/2। ठीक, इसके सही से देखो पहले, तो हमको पता चला अल्फा का वैल्यू हमको पता चल गया 45 डिग्री, बीटा का वैल्यू हमको पता चल गया 30 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेक अल्फा, तो सेक अल्फा का मतलब क्या है? सेक अल्फा बोले तो कितना? सेक अल्फा सेक 45, सेक 45 बोले तो सेक 45 कोस 45, तो √2 आता है। फिर सेक बीटा का वैल्यू कितना आ गया? सेक बीटा बोले 30, सेक बीटा 30 है तो कोस 30 कितना होता है? अच्छा 2/√, कोस थीटा क्या था? 2/3, वही ना। और फिर आता कोसेक अल्फा बराबर, कोसेक अल्फा बराबर क्या हो गया? कोसेक अल्फा 45 से भी √2, और कोस बीटा क्या हो जाएगा? कोस बीटा प्लस 30 तो 2 हो जाएगा। अब पहले वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर है सेक अल्फा का वैल्यू कितना है? √2। सेक बीटा का वैल्यू कितना है? 2/√3। कोसेक अल्फा का वैल्यू कितना है? √2। कोस बीटा का वैल्यू कितना है? 2 बाय सेक अल्फा बोले तो √2, कोसेक बीटा बोले तो 2 प्लस कोसेक अल्फा बोले तो √2, सेक बीटा बोले तो, सेक बीटा बोले तो 2/√3। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/√2। ये 2 है, ये 2 हो गया, 2 × 4 = 8 हो गया, बाय नीचे हो जाएगा √3, और डिवीजन तो है ही साइन में। बताओ क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 2√2 प्लस 2√2/√3, तो √3 देखेंगे, 2√6 प्लस 2√2 बट 2√6 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा? आप देखो जरा, 8, 2 कॉमन ले लेते हैं, √6 प्लस √2। ठीक, 2 काटेंगे 4 बार में, √6 माइनस √2, ठीक है, बटे √6 माइनस √2, 4 तो है ही ऊपर में, तो √6 माइनस √2 जी क्या जाएगा? तो 6 है यहाँ और यहाँ माइनस √2 है, 6 और माइनस 4, 4 4 से 4 करिए, √6 माइनस √2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 मिनट टाइम लगा दिए यार। राम का क्रिकेट मैच 1920 में औसत स्कोर 65 रन था। याद कीजिए कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए 20वीं बार में से कितने रन बनाने पड़ेंगे? यानी कि 65 रन में उसको 65 मैच में 19 रन था, यानी कि उसको बोला है कि 67 में 67 बनाना है, तो 7 × 14 = 6, 6 × 12 = 13, 40 करना है, 9 × 5 = 45 यूनिट सोच लो, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 58, 65 × 65। ठीक है, 5 हो गया, 8 × 5 = 13, बाकी 1 × 6 = 1235, तो 1235 यानी कि 1340, 105 रन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है इसमें? एक मेटेलिक क्यूब है, क्या एक मेटेलिक क्यूब है? एक मेटेलिक क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड लेंथ कितना है? 12 है। इट इज मेल्टेड एंड डीकास्ट इनटू 3 स्मॉल क्यूब। ठीक है, आउट ऑफ दिस 2 हैव देयर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड ना द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ थर्ड क्यूब। थर्ड क्यूब का पूछ रहा है, तो 12 क्यूब कितना हो जाएगा? 12 × 12 × 12 यानी कि 12 × 12 × 12 बराबर 6 × 6 × 6। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 6 का क्यूब है 216 और 8 का क्यूब हो गया 512, 12 का क्यूब 1728 होता है। तो बताओ 6 × 2 = 8, 1 × 2 = 5 × 2 = 7, 10 का सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस मैन है, स्टार्ट करता है 6 सेंटीमीटर पीछे से, 9 और 8 का है, यानी कि 1 × 5 = 18 हो गया। ठीक है, तो देन फिर कितने दिन पकड़ा पाएगा? तो 5 से काटेंगे 12 × 5 = 60, 120, 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 96, 12 × 12 = 6 × 9 = 11, 21.6, लेकिन क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन समझो क्या है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पुलिस मैन इज रनिंग एट 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यानी कि 1 का डिफरेंस है, तो 5 × 18। ठीक है, तो 21 में गया मीटर पर सेकेंड ना, सही में मीटर पर सेकेंड मांग गया, तो वो किलोमीटर में, तो इसको इधर क्या निकल गया, कितनी दूरी पता है पकड़ा जाएगा?
तो छह का 10 बार में 6 6 36 9 6 54 यानी कि 5.4 किलोमीटर। फिर पूछता है, एक शॉपकीपर कुछ एप्पल खरीदता 3600 में, उसने ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम 10% लॉस पर एंड 1/4 ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स एट अ लॉस ऑफ 5% एंड 2/3 ऑफ रेस्ट आर 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल रिमेनिंग एप्पल टू अर्न 27% प्रॉफिट। टोटल 27% प्रॉफिट कमाना है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। चार मैन एंड सिक्स वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 मंथ। चार आदमी प्लस छह वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर लेती हैं, जबकि तीन आदमी सात वुमेन उसी काम को 10 दिन में कर लेती हैं। तो ठीक है, चार से है, चार आ गया, यहाँ गया 5, तो 4 × 16 एम, 6 × 24 डब्लू, बराबर 5 × 3 = 15 एम, 7 × 6 = 35 डब्लू, यानी कि एम को इधर भेजेंगे एम आ जाएगा, 24 उधर के जाता है 11 डब्ल्यू, यानी एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी आ गया 1:11:8। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज 25 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ 44 + 6 = 50 इंटू 8 कितना है 16 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा 16, फिर 25 × 50 8 × 16। अगला क्वेश्चन है क्या, द टोटल सेल्स ऑफ सिक्स ब्रांच ऑफ फॉर बोथ द इयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ थर्ड ब्रांच फॉर द बोथ द इयर्स। तो यहाँ पर दिखाया गया सेल्स बुक दिखाया गया सिक्स ब्रांच का है, ठीक है, छह छह ब्रांच का है, टोटल सेल्स ऑफ सिक्स ब्रांच फॉर बोथ द इयर्स 15 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स बोथ द थर्ड ब्रांच का 110 और 95, यानी 110 और 90 जोड़े 205 205 का कितना है, गुना 100 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, 5 का 30 बार में 5 का काटेंगे तो 5 का 5 × 20 5 × 5 30 41/30 कर देते हैं, ठीक है 0.0, तो 6 बार में काटेंगे 6 × 6 = 24 या 7 से भी दे सकते हैं 7 × 7 728 7 × 7 728 3 आ गया 0.0 और 13 × 41 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा लगभग लगभग 73% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, तो 8 की पावर 8 + 6 तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7/7 यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 है, तो 1 की पावर 8 1 प्लस यहाँ पे प्लस 6 तो 0 इसका रिमाइंडर आ जाएगा ना, यहाँ पे 0 6 1 7 ये ना आएगा हमें 0 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा क्योंकि 8 की पावर 8 + 6 / 7 है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर 8 6 1 7 0 हो जाएगा। फिर पूछता है व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ वाई, वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या देंगे जो बन जाएगा, पहले क्वेश्चन देखो सही से क्या है, 1 है तो 1 − y + y बट यहाँ देखो 1 − y, ठीक है इसमें क्या देगा तो y से y कैंसिल हो गया, बचा ये बचा 1 + 1 − y ना, तो 1 − 1 × 1 − y ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर 3y और डिवीजन ऐसे करके बचा होगा, फिर एक 3y / 2 − y बराबर है 2, तो जाएगा 3y = 4 − 2y, तीसरा जाएगा 5y, y का मान 4/5 आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि इन अ डिविजर सम द डिविजर इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन, डिविजर इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, और डिविजर क्या 6 टाइम्स द रिमाइंडर भी है, ठीक है, तो रिमाइंडर 39, अगर रिमाइंडर 39 है तो यानी कि 9 6 54 6 × 3 = 5 डिविजन है 234, तो क्वेश्चन क्या जाएगा, तो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 234 से भाग 13, 13 को काटेंगे 13 × 13 यानी कि 13 × 13 104 है, तो 8 पढ़ देंगे यानी कि डी का और यहाँ पे क्यू का वैल्यू हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया 18, आर का वैल्यू तुम्हारा हो गया 234 और हम जानते हैं कैपिटल डी स्क्वायर क्या होता है डी क्यू प्लस आर होता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो 13 क्यू का मतलब क्या है, देखो डी बराबर है 234 × क्यू का मतलब कितना आ रहा है 18 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है
रिमाइंडर की अगर बात करें 200, रिमाइंडर हमारा 39 है, ठीक है। चलो इसको नंबर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खाली देखते हैं 234 × 18 832, और 832 का क्या 9 जोड़ेंगे, 9 क्या यूनिट डिजिट एक आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। टेन अल्फा का मान 6 है, तो टेन अल्फा अल्फा 6 बटे टेन अल्फा का मान क्या 6 है, ठीक है। इसको मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 636 रूट 37 आ जाएगा। तो बोलता है सेक अल्फा क्या होगा, तो बोलेगा एच अपॉन बी होता है, तो रूट 37 का सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्ट्स इन 1977, 1977 में जो इम्पोर्ट्स है इज व्हाट वर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ 1976 का कितना गुना है, तो 27 से 36 है, कितना गुना है 36 बटे 27, कितना गुना है, तो 9 किया 27, 9 चौक 36 4 बटे 3 यानी 1.11 टाइम्स ज्यादा, 3 बटे 4 है ना, 4.5 4, 3 × 3 1.09, 1.33 आर वन का वैल्यू कितना है 25, आर टू का वैल्यू 4 है, तो 25 10 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है वाई माइनस वन वाई का मान 4 है, तो वाई पे पावर 6 प्लस 1 बाई 3, हम बोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, जिसको होल स्क्वायर 4 से 16 और 16 तो 18 हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे इसे क्यूब निकालते तो पी क्यू प्लस 3 पी होता है ना, तो पी क्यू प्लस 3 पी करते हैं तो 4 से 16 जो 64 और 4 से 12 फिर होता, ठीक, 4 दो 6 6 76 यानी 18 76 आ गया, यानी वाई क्यू प्लस 1 बाई वाई क्यूब का मान कितना हो गया 76। अब बताओ जब y पावर 6 है, हम बोलेंगे वाई क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस कर देंगे y माइनस 1 बटे वाई का वैल्यू, तो ठीक है ना, तब हो सकता है कि आ जाएगा देखो 76 इंटू 18 और माइनस 4 कर देंगे, तो 8 से 48 में से 4 चला जाएगा, इसका साफ हो गया 8 से 48 चार जाएगा, तो यूनिट भी से चल देंगे, तो 5774 होना चाहिए। फिर आता है क्या क्या है कि बीच अगर फॉर्मूला पूछ लिया है एंगल आर्क एट सेंटर, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई इंटू 2r, ठीक है, तो फिर इसका 2πr θ बटे 360 डिग्री, तो बताओ क्या है पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर होगा, तो क्या है ये पैरामीटर होगा क्या इज इक्वल टू व्हाट, तो 2πr θ बटे 360 डिग्री इक्वल टू लेंथ होता है, क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सेक्टर, सेक्टर लेंथ में लेंथ ऑफ आर्क होगा, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है एक थीफ है, अच्छा पुलिसमैन को देखता है 400 मीटर की दूरी पर है, रनिंग कर रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, कितने दिन पकड़ेगा, तो चार पर दोनों में डिफरेंस कितना है 2 और 5 बजे 18, ठीक है, 5 दिन 10 ये चला गया 18 से 72 720 और ये तुम्हारा मीटर पूछ रहा है, तो 60 से 0 चला गया 12 से 72 यानी 12 मिनट हो गया, तो पुलिस कितना दौड़ेगा 18 × 12/60 कर देंगे, ठीक है 12×25 60 और 5 × 18 तो 18 × 5 = 15 3.0 3.0 6/36 इसका है ऑप्शन में क्या 5 × 15 ठीक है ना, जब 3 12 हो गया ना 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ बिफोर ही कॉल्ड बाय द पुलिसमैन, कितना दौड़ा होगा, अगर ये भी देखेंगे तो 16 दौड़ा होगा 12/60 12×25 60 तो 5 और 16 देखेंगे तो 5 × 15 1.0 3500 मीटर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 13 डेज बट नो ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड डू अ जॉब इन 13 डेज यानी कि एम लोगों ने माना कि काम को वो 13 दिन में कंप्लीट करेगा, बट 9 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे, हर एक दिन के बाद 9 आदमी लोग निकल गया, यानी कि पहला दिन तो काम किया होगा, बट 9 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे, द वर्क एज रिजल्ट रिकॉर्ड कंप्लीटेड इन 16 डेज, ठीक है 16 दिन में कंप्लीट हुआ, इन हाउ मेनी इनिशियली इन द ग्रुप, कितने लोग ग्रुप में पहले था,
कितने लोग पहले थे, तो मान चलते हैं कि पहला दिन कुल एम लोगों ने काम किया फर्स्ट दिन में, ठीक, प्लस अगला दिन जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, एम माइनस नाइन सेकेंड दिन में, ठीक है, प्लस थर्ड, इसी प्रकार से बोला 16 दिन तक ही काम चलते गया, एम माइनस नाइन इंटू 16 दिन, तो बताने बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, इस फिर इसको बाद में देखेंगे क्या बनेगा। कहता है अप्लाई टू बिल 50,000, द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट 40% इंटू डिस्काउंट, कितना डिफरेंस होगा, ठीक है, तो 40% तो है ही, और 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4 बटे 100, तो 624, 4 से 12 दो 14, यानी 1.44, यानी कि 1.44 बताना है किसका, 50,000 का, तो 50,000 का 1.44, 5 × 20, 5 × 20 दो 22, 720 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, राजू एंड रजत टुगेदर वर्क 5 दिन के लिए काम करता है, राजू प्लस रजत साथ में काम करता है 5 दिन के लिए, राजू उस काम को अकेला 7 दिन में करता है, तो रजत 3 दिन लगेगा, तो 35 हो गया, 5 और 7 और ये, यानी कि 2 35/2 मतलब 17 × 34 35, ठीक है। पूछता है आउट ऑफ द टोटल कॉपी 110 आर वेस्टेड, तो मान लेते 100 कॉपी था, 100% था, उसमें से 1 टन बर्बाद हो गया, तो बचा कितना, 90 बचा, 35% ऑफ द रेस्ट, 35% मतलब बोले तो 7/10 नहीं 5/20, तो 7/20, तो 50% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस एंड 1/8 ऑफ द 10 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एम, समझो क्या हिंदी में समझ लेगा, फुल ट्रॉफी में से 1/10 बेकार हो जाती है, एक ट्रॉफी है 100, ठीक, इसमें से 1/10 क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तो बचा कितना 90, ठीक है। अब इस 90 में से 90 का शेष की 35% एस को दे दी गई, एस को कितना मिलेगा, इसका 35% मिलेगा, एस को कितना मिला, इसका 35%, तो 0 से 0, 5 × 10 5/35 यानी कि 963/2 किसको मिल गया, एस को। उसके बाद कहता है और कुल की 1/8, कुल कितना है, कुल 100 था, उसका 1/8 मतलब बोले तो 4 × 8 4 से 25/2 यानी टोटल एन को दी गई कितना, 25/2 एन को दी गई, ठीक है। और यदि एन के पास टोपियों बेकार टोपियों से 10 अधिक है, एन के पास टोपियां जो बेकार टोपियां से 10 अधिक है, तो एक एन के पास कितना ज्यादा है, एन के पास 25/2 एक्स तो है ही लेकिन उससे ज्यादा है, इससे 1/10 से, 1/10 से कितना ज्यादा है, 10 अधिक ज्यादा है, तो इसको उधर लिखा देंगे, तो 25x/2 माइनस 1/10 बराबर हो गया 10, तो बताओ, तो भी x ही रह गया ना, तो हो गया, इसको बढ़ेंगे 10, 5 से कटेंगे, तो 5x 25x माइनस x बराबर 10, तो ये जगह तुम्हारा 10 × 10, ठीक है, 124x आ रहा है बराबर ना, तो s के पास कितनी ट्रॉफी दी गई है, x को कितना ट्रॉफी दिया गया, 100/124, तो s को 63/2 100/124, 50 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चलो उसको देखेंगे लास्ट में क्या है। एक मैदान 150 मीटर लंबा और इतना चौड़ा है, इस परिधि विकर्ण क्या हो रहा है, एक फील्ड है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स टू इट्स डायमीटर की लेंथ में, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इसका डायगोनल का कितना टाइम्स है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछ रहा है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, डायगोनल तो ही नोटिस का है, इनको देखो इसका डायगोनल क्या होगा, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 25 कितना 864, 0058 9 6 8 289, यानी 1700 हो गया, इसका 70 आ गया डायगोनल, और पैरामीटर कितना उसका जाएगा, 2 × L+B, तो 2 × L+B कितना होगा, तो 2 × L+B, तो 230, यानी कि 460 आ गया, और ये तुम्हारा हो गया 170, तो कितना गुना है, तो 460 17 और 46 को भागा देंगे, 17 × 34, तो 2 1.0, 17 को हम कितना बार में, 6 बार में, 7 6 42, 6 कम 6 4 10,
17 को 7 बार में 7 19 आता है, तो 2.7 के आसपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग इतना, तो कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट की बताने बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है ना, ये होता है d² माइनस प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, कोट अल्फा का अगर मान 1 है, साइन बीटा का मान इतना है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो अल्फा का मान यहाँ पे 45 डिग्री आ गया और बी का मान साइन बी का होता है तो 45 ए भी होता है, तो बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो 1 हो गया माइनस कोट ए प्लस बी का मान यहाँ पे 90 हो गया, तो कोट 90, तो कोट 90 का मान क्या होता है, तो यानी कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 यानी कि 0, जिसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस 15x प्लस इतना, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x पावर 4 230 इतना, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, व्हाट इज द वैल्यूज, तो वैल्यू पुट करके निकल सकता है, वैल्यू पुट कर दो निकल जाएगा आंसर। तो जैसे कि अगर 9 नवा 81, 9 को पुट करते, इसको वैल्यू पुट करके बोला ना, तो हम क्या पुट कर ले इसमें ऐसा, तो x स्क्वायर है, अगर हम डिवीजन कर देते हैं, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस, अगर x को भागा देते x माइनस 15 प्लस 1 बाई x, अगर इसका मान कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, यानी x प्लस 1 बाई x का मान हम मान के चल रहे हैं क्या 15 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या x स्क्वायर डिवीजन देंगे, x स्क्वायर माइनस 227 प्लस 6 बाई x स्क्वायर है, ऐसा तो नहीं आएगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 6 से डिवाइड नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो हम x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है माइनस बी, यानी 15 x का वैल्यू कहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना होगा 15 का 225 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 225 221 आ गया बाय 2, तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान मेरा वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ निकलेगा, तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 है, तो क्या आएगा पता नहीं। ठीक है, तो मैथ से शुरू करते हैं फिर से क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे, यानी 3600 रुपए में सेब को खरीदा, इसका पोस्ट प्राइस है। ठीक, कहता उसने उनका 5वां हिस्सा 10% हानि में बेच दिया, तो 3600 खरीदा, मान चलते 3600 सेब खरीदा, उनका 5वां हिस्सा, यानी कि ये 3600 रुपए में 100% उस सेब को खरीदा। ठीक, उनका 5वां हिस्सा 10% हानि पर, यानी कि 5वां हिस्सा बोले तो 1/5 10% हानि पे बेच दिया, यानी कि 9/10 में बेच दिया। ठीक, और शेष 1/4 तो बचा कितना, 4/5 का 1/4, 4/5 का 1/4 यानी फिर इसका 20%, फिर से 20% जो है 5% हानि पे बेच दिया, तो 19/20 बेच दिया। ठीक है, और शेष 2/3, अब शेष कितना बचा, 1/5 निकल गया, तो बचा कितना 3/5, अब बोला शेष का 2/3, इसका 2/3 2/3 यानी कि अब 2/5 को 15% लाख ले दिया, यानी कि 23/20 पे बेच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है और कुल मिलाकर 27% लाभ कमाना है, कुल मिलाकर उसको 27% का उसको लाभ कमाना है, यानी कि 27 लाभ कमाना है। ठीक है, उसको 127 का लाभ कमाना है। ठीक, तो बताओ कि लाभ कमाना है, उससे शेष सेब को कितने पे बेचने पड़ेगा, तो लाभ कमाना है 27% का, तो पूरा सेब को कितने पे बेचेगा, तो बचा कितना 2/2, 3/4 यानी 1/5 ही तो बचा उसके पास, 1/5 पर कितना का प्रॉफिट बेचेगा, कितना का प्रॉफिट उसको बेचना चाहिए 127 का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सब तो हम एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं सब पास एलसीएम, तो प्रॉफिट होगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो सही से लिखेंगे उसको, अगर उसको अगर हम सही से लिखते हैं तो बताओ क्या होगा, तो 9/50 प्लस 19/100 प्लस 46/100 और P/500 बराबर हो जाएगा 127 के। तो यानी हम 10 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, 5 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, 5 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, तो 90 19/95 और 46 6/30 5/26 23 230 प्लस P बराबर 127 × 500। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा, तो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो मान के चलते 3600 रुपए में सामान को खरीदा, ठीक, 3600 का उसको 27% का फायदा कमाना है,
छत्तीस को 27% का फायदा कमाने की वजह से देखो, यानी 36 × 27 तो उसको कमाना ही है। ठीक, अब बोल रहा है कि उसने जो 3600 का खरीदा होगा, 3600 का 1/5 हिस्सा 10% हो, 3600 में खरीदा तो काटेंगे 5 करके 35, 5 720, 1/5 में 10% हानि बेच दिया, कितना हानि पे 9/10 बेच दिया, 0 से 0 चला गया तो 9 × 18, 9 से 63 = 64, यानी 648 में बेच दिया। ठीक है वो तो 648 रहने देना। फिर बोलता है बचा हुआ कितना है, तो 720 पे बेच दिया तो 80 बचा, तो 800 और 8 हो गया 8 और 16, 880 बच गया इसके पास। अब 880 का 1/4, इसका भी 1/4 को 5%, यानी कि 19/20 पे नुकसान बेच दिया। तो 4 से काटेंगे तो 60 बार में, 7 × 4 = 8, 720, 0 से 0 = 36 बार में, तो 36 × 19 कितना हो जाएगा, 36 × 19, 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, 27 × 5 = 32, 36 + 36 = 36, कितना हो गया 4 × 6 = 2 8 × 3 = 6 = 84 में यहाँ बेच दिया। ठीक है, अब उसकी बात कह रहा है क्या, अब शेष 2/3, अब बचा कितना 720 का 1440 चला गया, कितना में 3600 में, तो 0 से चला गया, 8 बचा, सॉरी 10 हुआ, 6 बच जाएगा ना यहाँ पर, 5 हो गया 1, यानी कि 2160 बच गया उसके पास। फिर अब 2160 का 2/3, 2160 का 2/3, 2160 का 2/3 को 15%, यानी कि 27/20 पे फायदा बेच दिया। 3 से कटा 3 6 2 3 3 से 3 3 से 21 3 2 6 720, फिर 0 से 0 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो 72 × 23 बचा, 72 × 23 कितना हो जाएगा, 3 × 6 7 3 21। ठीक है, और 2 × 4 7 × 14, 6 4 5 4 2 6 1656, 1656 इधर हो गया, और 8 4 12, 9 4 13, 6 6 12 13, तो 6 2 8, 5 3 8, 6 3 9 29 28, 36 × 27 करेंगे कितना देगा, 7 6 42, 7 3 21, 21 4 25, 6 2 12, 3 2 6 7, 6 2 5 2 7, 7 2 972, तो 972 घटा देंगे तो कितना जाएगा इसमें, लगभग 6 1 0 2 16 नहीं आ रहा है इसे, 5 मिनट लगा भी दिए इसमें नहीं बना। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के एक समूह ने कार्य को 13 दिन में पूर्ण करने का निर्णय लिया, तो बोला कि एक्स लोगों ने कहा कि हम 13 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, तो प्रत्येक दिन के बाद 9 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि पहला दिन लोगों ने कार्य किया, पहला दिन लोगों ने कितना लोग काम किया, 13 लोग काम किया, फिर 13 लोग, सॉरी पहला दिन कितने लोगों ने काम किया, पहला दिन एक्स लोगों ने काम किया प्लस, दूसरा दिन कितने लोगों ने काम किया, एक्स माइनस 9 लोगों ने काम किया, दूसरा दिन एक्स माइनस 9 लोगों ने काम किया, फिर तीसरा दिन कितना काम लोग किया, एक्स माइनस 18 लोग काम किया तीसरा दिन, इसी प्रकार से एक्स माइनस 18, एक्स माइनस कितना बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रारंभ में कितने लोग थे, नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, 21 नंबर क्या ये तो होना चाहिए था, कुल टॉपी में से 1/10 बेकार हो जाती है, तो 100 टॉपी था इसमें से 1/10 बोले तो 10 खराब हो गया, खराब कितना, तो 90 सही है, शेष के 35%, शेष का 35% बोलेंगे तो 5 7 और 20 का 0 0 कर दिया, 63/2 ये किसको मिला, एस को मिलेगा अपना, और 1/8 एन को दी गई, और कुल की 1/8, कुल की कहता 90 का, अगर 1/8 की बात करें तो 4 × 8 4 7 4 और 45/4, यदि एन को 45/4 मिला, यही कुल की पूछ रहा है, कुल का मतलब तो फिर यही हो गया भाई, एन को कितना मिला, कुल का 1/8 है तो 50/25/2 ही मिलेगा। और यदि एन के पास टॉफियां, इफ द टॉफी विद एन आर 10 मोर देन वेस्टेड टॉफी, अगर एन के पास जो टॉफी है, एन के पास 25/2 टॉफी है, इतना टॉफी है और 10 ज्यादा है, इसे कंपेरिजन वेस्टेड टॉफी में, वेस्टेड टॉफी कितना 10 से 10 ज्यादा है, मान के चलते 20 है, तो 25x बराबर क्या हो जाएगा, 40x का मान यहाँ पर कह रहा है 15, तो हाउ मेनी टॉफीज वर्थ इतना, x का मान 15 है तो 63/2 × 150, नहीं नहीं आ रहा है यार, छोड़ो नहीं बन पाएगा, अब स्क्रीन मेरा साथ नहीं काम कर पा रहा है,
यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, 137 ही आ पाए, ज्यादा नंबर नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे रीजनिंग भी गलती हो गया, कितना, दो क्वेश्चन रीजनिंग गलती हो गया, मैथ में गलती हो गया यार, मैथ में सोच समझ के मारे, फिर भी इतना गलती नहीं होना चाहिए था। मैथ में 3 क्वेश्चन गलती हो रहा है और इंग्लिश में 6-7 क्वेश्चन, इंग्लिश में गलती हो, 8 क्वेश्चन गलती है, एवरेज एवरेज से कम ही क्वेश्चन मेरा आ पाते हैं। और जीके थोड़ा सही हुआ, 5 मिनट में लिए, 1 क्वेश्चन गलती किए हैं, 137 नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हमको थोड़ा सा और क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ को थोड़ा सही करना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्या बना देखो तो ई एम पी क्यू, बोला कि क्यू और आर के बीच में विच सेकेंड दैट इज पी एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग इंग्लिश में क्या है, टू। देखो यहाँ पे देखो ई पी क्यू ई एस हो गया ना, देर आर टू अल्फाबेट दैट इज क्यू एंड आर, Q and R between the alphabet, Q और R क्या है, between the alphabets, which is second from the left, ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन थोड़ा सा। अगला क्या है, ये क्वेश्चन गलती हुआ है, कौन सा था भाई, गलती कैसे हो गया, 11, 13, 17, 19, अच्छा 11 हम 400 का डिफरेंस ले लिए, 19, 27, अच्छा ये प्राइम नंबर जोड़ रहा था, लेकिन मेरा लॉजिक बना था 11, 4, 15, 4, 19, 19, 27, ये भी तो लॉजिक बन रहा था मेरा, गलती यहाँ पे हो गया मेरे साथ। इसमें कौन सा गलती की है, ये बोला है ना, टेरोटा फाइटा है क्या, वेस्क्यूलर प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पहला ही क्वेश्चन गलती कर दिए हम, वाह। ये फिर इसमें ये भी गलती हो गया, इसको बनाना चाहिए था पूरा, माइनस किया होगा ना, माइनस नहीं किया, अच्छा वाई माइनस वन बाई का 2√5 आया, 34√5 माइनस 2 हो रहा था, वाई क्यूब प्लस 1 बाई वाई क्यूब का होल स्क्वायर करते माइनस 2, हम यहाँ पे गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा, ये भी गलती हो गया, ये फॉर्मूला था माइनस आर वन, अच्छा बीच में आर वन, बीच में ना प्लस यहाँ हो रहा था, यहाँ प्लस वही होता है, और ट्रांसफर से कॉमन का पूछता डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली गलती कर दी, ये कैसे नहीं बना, देखो 100 बोला कि 200 यूनिट मान लिया, ठीक है 200 यूनिट माना, तो 20 यहाँ 63 यहाँ 25 माइनस भी 10 टॉप की 63 तो ला ही दिए थे, 26 तक था, अच्छा 63 आता उसमें, 25 में कौन सा क्वेश्चन था, ये कैसे बनता, बोला कि डिवीजन किए थे मान रहे थे x माइनस 1 बाई 15 लिया था, उसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर का अनुमान 227 हो रहा था, अच्छा वो यहाँ पहले पुट करना था, डिवीजन करते हैं x क्या करते हैं, उसको डिवीजन करते हैं x स्क्वायर से डिवीजन करते हैं तो आंसर आ जाता, ठीक है। 18 क्वेश्चन ये वाला कैसे था, एक्स प्लस माइनस नो एक्स ना चलते गए 135 तक, ठीक है, अच्छा वो हमको ये एपी का फॉर्मूला लगाना था, मुझे सोचे कहाँ से क्वेश्चन आया, ये वाला भी क्वेश्चन गलती हो रहा था, 3600 का 27% निकाले ही थे हम, तो यहाँ पर 720 आया, 3621 आया, 720 है, कितना कैलकुलेशन सही करा थे लेकिन हुआ नहीं इसका भी, बाकी तो सभी सही हुआ ही है, कौन सा कॉन्फ्यूजन था क्वेश्चन में, जो सही चल रहा था, एक क्वेश्चन कंफ्यूजन था, चलो ठीक है, तो ज्यादा नंबर तो आया नहीं है, फिर भी मेरे लिए इंग्लिश को सही करना चाहिए था, इंग्लिश बहुत गड़बड़ आ जाता है यार, इंग्लिश बहुत ही गड़बड़ आ जाता है, एवरेज तो नंबर अच्छा ही जा रहा है, 112 का एवरेज आता है सबका, एवरेज में नेगेटिव मेरा एवरेज के बराबर आ रहा है, बहुत ज्यादा गलती है, इसको हमको सही करना है, इंग्लिश में मेरा ज्यादा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। चलो भाई ये रहा मेरा टेस्ट, आप अगर ये मौके दे दिए हो तो बता दिया कितना आपके इसमें आया था नंबर, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू।